चेरापूंजी के कुछ खूबसूरत वाटरफॉल्स देखने हैं। और चेरापूंजी में सच में इतने वाटरफॉल्स हैं कि अगर आप कई दिनों के लिए भी यहाँ आए तब भी सारे वाटरफॉल्स आप शायद ही देख पाएंगे। और इनमें से ही एक वाटरफॉल तक आपको बादलों से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इंडिया का थर्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसका नाम है नौकालिकाय फॉल्स। जिसका व्यू देखते ही आप एक अलग दुनिया में खो जाते हो। ये वाटरफॉल इतनी हाइट पर है कि ये अक्सर बादलों में ही रहता है, और बादलों से इस वाटरफॉल का ये खूबसूरत नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। इस वाटरफॉल का पानी सीधे 1000 फीट से भी ज्यादा की हाइट से नीचे गिर रहा है, और इसी वजह से ये इंडिया का टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल भी है। और इस वाटरफॉल से थोड़ी ही दूर है ये लिंगसर फॉल्स, जो एक बहुत ही खूबसूरत स्टेप वाटरफॉल है। और इन सब वाटरफॉल्स में से जो चेरापूंजी का सबसे फेमस वाटरफॉल है वो है ये सेवन सिस्टर्स फॉल, जिसमें एक साथ 7 वाटरफॉल्स दिखते हैं। अब तक मेघालय की हमने इतनी सारी नेचर और खूबसूरती से भरी जगहें देखी जिसमें कई सारे विलेजेस थे, पर मेघालय की एक ऐसी सिटी है जो इतनी ब्यूटीफुल है कि उसे स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। यह है मेघालय की कैपिटल सिटी शिलोंग। शिलोंग मेघालय की सबसे बड़ी सिटी है। ये इतनी बड़ी सिटी है कि इसका कुछ पार्ट 5000 फीट की हाइट पर है और कुछ 6500 फीट की हाइट पर। खूबसूरत आर्किटेक्चर और खूबसूरत नजारे, यहाँ सब कुछ है। और यहाँ पर हर रोज बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट भी होता है। पर शिलोंग से सिर्फ कुछ किलोमीटर आगे आप इस चकाचौंध से दूर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया में होते हो। ये खूबसूरत जगह है लाइटलुंग कैनियन। इतनी ग्रीनरी आपने शायद ही कहीं और देखी होगी। ये जगह फेमस है अपनी इस सीधी खड़ी खाई की वजह से, और इस पहाड़ी की एज पर खड़ा होना ही अपने आप में एक एडवेंचर है। यहाँ की खूबसूरती से मैं पहले ही इतना हैरान था कि थोड़ी देर में मुझे पता चला यहाँ के एक हिडन वाटरफॉल के बारे में। लाइटलुंग कैनियन से बस कुछ दूर हाइक करते हुए मैंने एक रिवर को फॉलो किया, और रिवर के उस पार जो नजारा था खूबसूरत रिवर से बनता हुआ ये वाटरफॉल
कुछ ऐसे नज़ारों में से है जिसकी खूबसूरती को बयां कर पाना मुश्किल है। कुछ देर यहां रुककर मुझे ऐसा लगा जैसे नजारों ने सपने और हकीकत का फर्क खत्म कर दिया हो। इन खूबसूरत जगहों के अलावा शिलोंग के पास एक बहुत ही सुंदर सी लेक भी है, उमियम लेक। ₹225 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैली ये लेक मेघालय की सबसे बड़ी लेक है और इसी वजह से इसे लोकली बड़ा पानी भी कहा जाता है। ये लेक एक रिजर्वॉयर लेक है जो उमियम रिवर पर डैम बनाने की वजह से बनी है और इसके किनारे पर बैठकर इन खूबसूरत आइलैंड और फॉरेस्ट को देखते देखते वक्त कहाँ निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेघालय में आके आप नेचर के इतना करीब खुद को महसूस करेंगे, चाहे वो यहाँ की हवा हो, यहाँ के वाटरफॉल, यहाँ के पेड़, यहाँ मतलब आपको वो हर चीज़ मिलेगी जो नेचर से आपका रिश्ता और गहरा कर देगी। हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारे अंदर किसी विटामिन की कमी है या डेफिशिएंसी है या पानी की कमी है, पर जब आप किसी ऐसी जगह पर आते हैं अपने कंक्रीट के शहरों से दूर, तो समझ आता है कि हम लोग कितना नेचर डेफिशिएंट हैं। हम नेचर को मदर नेचर तो कहते हैं पर भूल जाते हैं हम इसका ही हिस्सा हैं। तो भला इससे दूर कैसे रह सकते हैं।